तो दोस्त यार आपने थंबनेल पर ये पढ़ा कि किस रेट कार्ड पर काम करना चाहिए और आगे भाई साहब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और गाइस जो है कि थंबनेल के एक तरफ हमने एक रेट कार्ड का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है और गाइस थंबनेल के दूसरे तरफ भी हमने जो है कि एक रेट कार्ड का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। लेकिन गाइज अब सवाल यह है, एक तरफ जो है कि हमने कट का निशान लगा हुआ है और एक तरफ जो है कि सही का। कहने का मतलब यार गाइज देखो, कौन सा रेट कार्ड सही है आपके काम करने के लिए, जिससे जो है कि आप काम करो तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सके। और गाइज बीच में हमने लिखा हुआ है भाई साहब जोमैटो कंपनी में अच्छा वाला रेट कार्ड पहचानने का तरीका। तो यार दोस्त ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, क्योंकि यार मैं आपको ना कंपनी की एक आप बोल सकते हो एक मैं सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ जो कि थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। देखिए दोस्त कंपनी क्या है ना यार, कि जब आप नया नया कंपनी को ज्वाइन करते हो या फिर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे होते हो या फिर गाइज आप ज्वाइन भी कर चुके होते हो, ठीक है, तो यार कंपनियां यार थोड़ा सा आपको चूना लगाने का कोशिश करती है। अब ये चूना लगाने का जो ठेका है ना, ये कंपनी टीएल को सौंप करके रखती है। टीएल इट मींस कि टीम लीडर, और मेरी भाषा में बोले तो टोपी लाल, ठीक है। तो गाइज ये ठेका कंपनियां टोपी लाल को दे करके रखती हैं कि भाई साहब ऐसा है कि जिस बंदे को तुम जिस हिसाब से मुर्गा बना सको उस हिसाब से तुम बना लो। इसीलिए दोस्त यार आपने देखा होगा कि जोमैटो कंपनी में, यार मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आप किसी का भी रेट कार्ड देख लो, हर एक आदमी का रेट कार्ड आपको अलग ही मिलेगा, भले ही उसमें एक रुपए का ही अंतर क्यों ना हो। मतलब उस बंदे का एक रुपए ज्यादा हो, उसका एक रुपए कम होगा, उसका ज्यादा होगा, उसका कम होगा। तो यार गाइस ये मतलब मुझे यार समझ में नहीं आता कि सबका रेट कार्ड अलग, जिस बंदे को जिस हिसाब से ये लोग फंसा करके रखते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम 20 की स्पीड में चल रहे हो, ठीक है, तुम 20 की स्पीड में चलो, अगला बंदा 40 में जा रहा है, चलो ठीक है चलने दो भाई, 20 में रखना है तो दोनों का रखो, 40 में रखना है तो दोनों का रखो। तो यार इस हिसाब से कंपनियां जिसको जो रेट कार्ड दे करके अपना मामला सुलटा पाती हैं तो उस हिसाब से कंपनियां करती हैं। खैर ये बात अलग है, लेकिन आपको यार देखो ज्वाइनिंग से पहले जब आप कंपनी को ज्वाइन नहीं किए और जोमैटो कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो यार आपने रेट कार्ड शब्द जरूर ही सुना होगा। और रेट कार्ड नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, रेट कार्ड ही ऐसी चाबी है, वो आपके बैंक की चाबी है, ठीक है। उसी रेट कार्ड उसी चाबी को आपको अपने बैंक में लगाओगे तभी आपके पास में पैसा आएगा। इट मीन्स कि आपको उसी रेट कार्ड पर काम करना होगा तब आप जो है कि पैसे कमा पाओगे। और यार जितनी अच्छी चाबी होगी, इतना अच्छा रेट कार्ड होगा, उतना ज्यादा आप पैसे कमा पाओगे। तो यार दोस्त कंपनियां यार पता नहीं क्यों ऐसा करती है, मतलब रेट कार्ड अलग अलग दे करके बंदों को रखती हैं, तो ये सारा सिस्टम होता है। और गाइस अगर आप जो है कि कंपनी को ज्वाइन कर चुके हो, ठीक है, तो दोस्त आपको यार पता होना चाहिए, अगर आपने अभी हाल फिलहाल में ही कंपनी को ज्वाइन किया है या फिर जो है कि आप पहले से ही ज्वाइन कर चुके हैं, तो यार दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा रेट कार्ड दे करके कंपनी ने बेवकूफ बना दिया है। और मतलब यार देखो ये वीडियो पूरी देखने के बाद में आप ये चीजें सीख जाओगे कि कौन सा रेट कार्ड खराब होता है, कौन सा रेट कार्ड अच्छा होता है, कौन सा रेट कार्ड अच्छा होता है, कौन सा रेट कार्ड खराब होता है। कहने का मतलब कि दोनों में आप सीख जाओगे भाई साहब, आप पहचानना सीख जाओगे, मेरे कहने का मतलब ये। नमस्कार, मैं शिवम पाल सुखदेव, शिवम की इस फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो लास्ट होते होते मैं आपको इतनी ज्यादा नॉलेज दे दूंगा और ये नॉलेज आपकी इतनी ज्यादा काम आ जाएगी भाई साहब, किसी ने सोची ना होगी, ठीक है। तो दोस्त इसलिए यार वीडियो को भाई शेयर कर देना यार, भाई दिल से बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्त यार भाई यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, दिल से बुरा लगता है यार आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। नीचे लाल कलर का बटन होगा उसे दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब करने में क्या है यार, लाल कलर का बटन ही तो दबाना होता है, दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्त यहाँ पर मैं वीडियो को जो है कि स्टार्ट कर लेता हूँ, ज्यादा आपको बोर नहीं करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो का ओवरव्यू दे दूं कि इस वीडियो में मतलब एक क्या पैटर्न चलने वाला वो मैं आपको बता दूं। देखिए गाइस सबसे पहले मैं आपको खराब रेट कार्ड दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको खराब रेट कार्ड दिखा दूंगा कि हाँ भाई ये देखो इस तरीके के जो भी रेट कार्ड होंगे या फिर इस कैटेगरी के जो भी रेट कार्ड होंगे उन रेट कार्ड की गिनती भाई साहब खराब रेट कार्ड में होगी। उसके बाद में दोस्त मैं आपको सही रेट कार्ड दिखा दूंगा, कहने का मतलब अच्छा वाला रेट कार्ड मैं आपको दिखा दूंगा, तो भाई आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस कैटेगरी में जो भी रेट कार्ड आएंगे ये जिस भी कैटेगरी का रेट कार्ड होगा तो मतलब वो रेट कार्ड एक हिसाब से अच्छे ही होंगे, 19-20 चल सकता है, ठीक है, लेकिन उस कैटेगरी के रेट कार्ड बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और दोस्त यार मैं आपको ना एक कड़वी सच्चाई और बताना चाहता हूँ। देखिए गाइस यार कंपनी क्या है ना कि उनका रेट कार्ड का सिस्टम ये होता है कि रेट कार्ड थोड़ा सा मतलब उलट पलट होता है, थोड़ा सा उलट पुलट, मतलब कि
देखो कंपनी क्या है कि आपको पहले छोटा सा रेट कार्ड पकड़ाने की कोशिश करेगी, और गाइज उससे ऊपर वाला भी आपको कंपनी दे सकती है, लेकिन वो गाइज देंगे नहीं। आपको सोचेंगे शायद ये बंदा इसी में मान जाए तो इसको चलो इसी में ज्वाइनिंग करवा देते हैं, लेकिन अगर आप हड़कंप मचा दोगे नहीं भैया हमें तो वही वाला चाहिए, तो यार कंपनी फिर आपको वो वाला दे देगी, क्योंकि उस आईडी पर वही वाला रेट कार्ड अलॉट हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा लटक आपको दे रही, नीचे वाला आपको देने की कोशिश कर रही। तो यार चलिए ज़्यादा आपको बोर नहीं करते, मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये रेट कार्ड लेना है या फिर ये रेट कार्ड लेना है, ये वाला अच्छा है या फिर ये वाला बुरा। चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। कहने का मतलब वही है, कंपनी आपको थोड़ा सा डिफरेंट रेट कार्ड देने की कोशिश करती है। गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला रेट कार्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। गाइस पहला वाला रेट कार्ड खराब होगा, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम दूसरा वाला जो रेट कार्ड दिखाएंगे वो सही होगा, ये हम कहते हैं, ये हमारा कहना है। लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा नहीं भाई तू तो गलत बोल रहा है यार, पहले वाला रेट कार्ड सही है जो जिसको तू खराब बोल रहा है, और जो है कि यहाँ पर दूसरा वाला रेट कार्ड खराब है जिसको कि तुम सही बोल रहे हो, आपको गाइज ऐसा लगेगा। लेकिन फिर उसके बाद में मैं आपको जो डिफरेंट बताऊंगा ना, क्योंकि गाइज जो दिखता है ना असल में वो बिकता नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें सच्चाई होती है, हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं भाई साहब, और खाने के दांत हाथी के अलग होते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं खराब वाला रेट कार्ड आपको दिखाता हूँ। अब गाइस खराब रेट कार्ड दिखाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस रेट कार्ड पर कितनी अर्निंग हो सकती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्या है यार कि हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ भाई इस खराब रेट कार्ड पर आप इतना कमा सकते हो, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि खराब रेट कार्ड पर एटलीस्ट बंदा कमा कितना सकता है। तो चलिए गाइस मैं आपको पहले थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको रेट कार्ड दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस इस जो हम आपको खराब रेट कार्ड दिखाएंगे उस रेट कार्ड पर, देखो दोस्त नौकरी करने की एक टाइम क्या होता है नौकरी करने का, 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मान करके चले तो 10 घंटे, कम से कम तो कंपनी में पार्ट टाइम लोग 4 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन गाइज हम 12 घंटे का एवरेज निकाल करके चल रहे हैं। कहने का मतलब इस खराब रेट कार्ड पर अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ हम जो है कि एक घंटे के हिसाब से दो ऑर्डर मान करके चलते हैं। मान लो गाइज आप आधे घंटे में, अगर यार आप नए नए जाओगे या फिर अभी अभी आप गए हो तो आप आधे घंटे में आपको एक ऑर्डर डिलीवर करने में लगी जाता होगा। अगर हम एक घंटे को दो ऑर्डर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो गाइस 12 घंटे में आप अराउंड 20 ऑर्डर तो कंप्लीट कर ही लोगे यार, कितना भी कम से कम करोगे तो 20 ऑर्डर आराम से कर ही लोगे। अब काफ़ी लोगों की शिकायत होती है भाई ऑर्डर ही नहीं आते हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो गाइज इस पर भी जो है कि हमारे चैनल पर वीडियोस एटलीस्ट आती ही रहती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद में तो आपको ये चैनल बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो गाइज अगर हम जो है कि टॉपिक पर वापस आते हैं, अगर हम जो है कि 20 ऑर्डर मान लेते हैं मैक्सिमम, जो है कि आप 12 घंटे में 20 ऑर्डर कर लेते हो तो गाइज 20 ऑर्डर का आपको अराउंड मिल जाएगा वही मान के चलो 500 रुपये मिल जाएगा। मैं अभी आपको रेट कार्ड दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो गाइज आप थोड़ा सा फिर से रिवीजन करिए, 12 घंटे में 20 ऑर्डर करोगे तो आपको 500 रुपए की अर्निंग होगी। अब गाइज 500 रुपए की अर्निंग होगी तो यार जो ये खराब वाला रेट कार्ड है ना इसके हिसाब से आपको ये इंसेंटिव कंपनी दे देगी 225 रुपए। इंसेंटिव इट मींस कि आपका अवार्ड, आपका उपहार, आपका गिफ्ट आपको कंपनी देगी, मतलब आप ऑर्डर कंप्लीट करके 500 रुपए कमाओगे तो कंपनी आपको 225 रुपए यहां पर गिफ्ट देगी। तो गाइज गिफ्ट देने के बाद में अगर आप 500 प्लस 225 जोड़ ले तो गाइज हो जाता है 725 रुपए। आप भी अपना कैलकुलेटर ओपन करके जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइज आपने एक दिन का कितना कमाया खराब रेट कार्ड से, 725 रुपए। अब यार आप बोलोगे यार कि ये तो बहुत अच्छी इनकम है यार, आप जिसको खराब रेट कार्ड बता रहे हो ये तो बहुत अच्छी इनकम है एक दिन का 725 रुपए। लेकिन भाई वीडियो देखते रहो, अभी आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी किस तरीके से कंपनी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। तो गाइस 725 रुपए में अगर हम 200 रुपए पेट्रोल का निकाल दें, जिस तरीके से आज जो है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो गाइस 200 रुपए पेट्रोल का निकालने के बाद में, और गाइस अगर हम 1000 रुपए महीने का मान करके चले तो एक दिन में 30 रुपए गाड़ी का मेंटेनेंस तो आपका चला ही जाता है, और गाइस 30 रुपए अगर हम नाश्ता पानी भी इसमें जोड़ लेते हैं तो गाइस वही 725 में सारी चीजें माइनस करने के बाद में बचता है 465 रुपए, जो कि गाइस बचत है, ध्यान दीजिएगा एक दिन की ये बचत अर्निंग है। और गाइज इसी एक दिन की बचत अर्निंग को हम हफ्ते से कैलकुलेट कर दे तो ये बन जाता है 3255 रुपए, अगर हम इसको महीने से कैलकुलेट कर दे तो ये बन जाता है 13950 रुपए, जो कि गाइज बचत है, खर्चा पहले ही निकल चुका है, ठीक है मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं। अब गाइज आप बोलोगे कि 13950 रुपए तो शिवम भाई ये तो यार मतलब सही अर्निंग है जो आप खराब रेट कार्ड जिसको बता रहे हो, तो यार ये इसके हिसाब से तो सही अर्निंग है, 13000 एटलीस्ट बंदा बचत कमा ले महीने में तो सही है। लेकिन अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को देखते रहो, आपको तो खराब रेट कार्ड और अच्छे रेट कार्ड में फर्क समझना है ना, आपको अर्निंग से तो मतलब है नहीं, क्योंकि गाइस इतनी अर्निंग अभी हो रही है मान लो बाद में ना हो, बाद में हो मान लो अभी नहीं हो रही है,
तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको रेट कार्ड दिखा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर रेट कार्ड देखिए, आप इस रेट कार्ड को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे ऊपर ही ऊपर इन्होंने लिखा हुआ अर्न 900 आर मोर, कहने का मतलब आप 900 से ऊपर रुपीज इस पे कमा सकते हो। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्डर पे, उसके बाद में टोटल डिस्टेंस पे यहाँ पर 4.4 पर किलोमीटर, कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर का इस रेट कार्ड पर आपको 4.4 ₹4 से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। और गाइस ऑर्डर रेडी टाइम पे आपको ₹1 पर मिनट मिल रहा है और मिनिमम बेस पे ₹25 पर ट्रिप मिल रहा है। अब गाइस ये मिनिमम बेस पे इट मीन्स कि आप एक ऑर्डर डिलीवर करोगे तो आपको कम से कम ₹25 तो मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और गाइस इसी ₹25 के हिसाब से ही हमने आपको वो ₹500 बताया था, जो मैंने आपको बताया था ना कि 12 घंटे में 20 ऑर्डर करोगे तो आपको ₹500 मिलेगा, तो 20 को हमने 25 से गुणा कर दिया तो ₹500 हो गया। आप भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब गाइस यहां तक तो सारी चीजें ठीक है, अब मेन फंडा आ जाता है इंसेंटिव का, ठीक है, टारगेट पे का। आप नीचे ही नीचे यहां पर देखिए डेली टारगेट पे में, यहां पर देखिए डेली अप टू ₹300 आप कमा सकते हो। यहां पर देखिए टारगेट पे ऑर्डर पे देखिए ₹350 आप अगर कमाते हो तो आपको ₹175 कंपनी देती है, ₹450 कमाते हो तो ₹225 कंपनी देती है, ₹600 कमाते हो तो आपको कंपनी ₹300 दे देती है। तो गाइज इसी तरीके से अगर आप 12 घंटे में 20 ऑर्डर कंप्लीट करके ₹500 कमाओगे तो आपको कंपनी ₹225 ही तो इस रेट कार्ड पर इंसेंटिव दे रही है, जो कि गाइज हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत मतलब समझ लो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और गाइज ना ही आपको रोज 20 ऑर्डर मिलेंगे, ना ही आप रोज 20 ऑर्डर कर पाओगे, और ना ही आप रोज ₹500 कमा पाओगे, और ना ही आप रोज जो है कि ₹225 का इंसेंटिव कंपनी से उठा पाओगे। चलिए गाइज ये तो सवाल हो गया, मतलब कि ये खराब रेट कार्ड है, हमने आपको खराब रेट कार्ड दिखा दिया। अब भाई सवाल ये उत्पन्न होता है कि भाई अच्छा वाला रेट कार्ड कौन सा है, जब ये खराब है तो अच्छा रेट कार्ड कहाँ है? तो चलिए दोस्त अब हम आपको ले चलते हैं अच्छे वाले रेट कार्ड की तरफ, ठीक है, पुराने वाले को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, भूल मत जाएगा, अभी आपको काम आएगा। तो दोस्त अब अच्छा वाला रेट कार्ड दिखाने से पहले मैं आपको उसकी अर्निंग कैलकुलेट करके अगर मैं बताना चाहूंगा, इस बोर मत होना यार, ठीक है, अर्निंग कैलकुलेट करना पड़ेगा वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो दोस्त वही हम फिर से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप 12 घंटे में 20 ऑर्डर कंप्लीट करके ₹500 कमाओगे, ठीक है। तो गाइस सारा कुछ तो वही है लेकिन कंपनी ₹500, तो इस रेट कार्ड पर कंपनी आपको कितना इंसेंटिव दे रही है? ₹200। अब गाइस आपको लगेगा यार शिवम भाई ये बताओ कि पिछले रेट कार्ड पर कंपनी इंसेंटिव ₹225 दे रही है, यहाँ पर कंपनी इंसेंटिव ₹200 दे रही है, तो यार ये रेट कार्ड तो महारद्दी रेट कार्ड हुआ फिर। लेकिन नहीं, वीडियो को पूरा देखते रहो, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर 500 और 200 को हम जोड़ दे तो ₹700 हो जाएगा, 700 में 200 का पेट्रोल और ₹30 गाड़ी के मेंटेनेंस, ₹30 खर्चा निकाल दे तो ₹440 बचत हो जाएगा, हफ्ते का इसको ₹3,080 हो जाएगा और महीने का ₹13,200 हो जाएगा, जो कि गाइस बचत है। अब दोस्त आप ये बोलोगे कि खराब वाले रेट कार्ड पर ₹13,950 की अर्निंग हो रही थी, अच्छे वाले रेट कार्ड पर अर्निंग हो रही है ₹13,200, तो भाई साहब ये रेट कार्ड सही हुआ या फिर वो रेट कार्ड सही हुआ? चलिए मैं आपको रेट कार्ड दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर रेट कार्ड देख सकते हो गाइज, ये ऊपर का सारा कुछ वही है, ठीक है, ₹4.4 पर किलोमीटर मिल रहा है, डिस्टेंस पे ₹25 एक ऑर्डर का मिल रहा है, सारा कुछ वही है, बट आप इसमें इंसेंटिव देखिए थोड़ा सा, आप इसमें देखो डेली ₹725 और इसमें इंसेंटिव आप देखिए यहाँ पर ₹275 का काम थोड़ा सा यार सटा हुआ है, लेकिन थोड़ा जूम करके देखोगे तो चलिए हम जूम करके यहाँ पर बगल में स्क्रीनशॉट लगा देंगे। आप देखिए ₹275 पे ₹125 का इंसेंटिव है और यहाँ पर जो है कि ₹400 पे ₹200 का इंसेंटिव है, ₹525 पे ₹300 का इंसेंटिव है, ₹625 पे ₹425 का इंसेंटिव है, ₹725 पर यहाँ पर ₹515 का इंसेंटिव, ₹825 पर ₹625 का इंसेंटिव है, ₹900 पर ₹725 का यहाँ पर इंसेंटिव आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों नीचे यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशन भी दी गई है, एक डिनाइल आप कर सकते हो, 0 कैंसिलेशन, 0 नॉट फूड डिलीवर। अब ये डिनाइल वगैरह काफी लोगों को नहीं पता होता, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली कि डिनाइल होता क्या है, ठीक है। तो दोस्त नीचे नीचे कुछ और भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ, मेक श्योर यू लॉग्ड इन बिटवीन 7 PM से 10, मतलब 7 से 10 बजे के बीच आपको एटलीस्ट 2 घंटे लॉगिन होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अब दोस्त मेन सवाल तो यहाँ पैदा होता है भाई कि देखो हम आपको बता रहे थे पहला वाला रेट कार्ड खराब है, दूसरा वाला सही है, लेकिन जब हमने जो है कि सारा कैलकुलेशन किया, सारा जोड़ किया, गुणा किया, घटाकार किया, भागाकार किया, सब कुछ किया, तो अब इसमें रिजल्ट ये निकल करके आ रहा है कि दूसरा रेट कार्ड खराब है, पहला रेट कार्ड सही है। लेकिन मैं आपके गाइस गलत फहमी थोड़ा सा दूर करना चाहूंगा। देखिए मैं अभी आपको दोनों रेट कार्ड आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। गाइस भले ही जिसको हम खराब बोल रहे हैं उस रेट कार्ड पर अर्निंग कम है, वो सॉरी ज्यादा है, और जिसको हम सही बोल रहे हैं उस रेट कार्ड पर अर्निंग कम है, लेकिन दोस्त यहां पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, और गाइस जिसको जो है कि एक डिलीवरी बॉय को देखना चाहिए या फिर जो एक जो है कि आप बोल सकते हो जो एक यार एक्सपीरियंस है डिलीवरी बॉय होता है, वो यार जिस चीज को देखता है गाइस वो होता है इंसेंटिव, ठीक है। अब गाइस इंसेंटिव ही आपको भी देखना है। अगर आप देखो तो गाइस जिसको हम खराब रेट कार्ड बोल रहे थे उसमें दोस्त सिर्फ और सिर्फ 3 ताले हैं,
हैं। तीन ताले इट मीन्स कि अगर आप 350 का काम करोगे, 175, 450 का एक ताला है और 600 रुपए का एक ताला है। लेकिन गाइस जिसको हम सही रेट कार्ड बोल रहे हैं तो उसमें आप देखिए कितने ताले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहने का मतलब गाइस जिसको हम सही रेट कार्ड बोल रहे हैं उसमें 7 ताले। अब आप बोलोगे भाई तालों से क्या मतलब है, तो गाइस तालों से बहुत बड़ा मतलब होता है। चलिए जिसको हम खराब बोल रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए गाइस जिसको हम खराब बोल रहे थे उसमें है 350 रुपए। मान लो 350 रुपए आपने कमा लिया, तो गाइस अगला ताला आपको कब मिलेगा? अगला ताला आपको मिलेगा 450 रुपए पर, ठीक है, जो कि गाइस पहले ताले से दूसरे ताले तक पहुंचने में जो है कि काफी बड़ा यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन गाइस वहीं आप इस रेट कार्ड पर देखो तो कितने सारे ताले हैं, 7 ताले, ठीक है। तो गाइस आप कितना भी कम से कम ताला तोड़ दोगे तो 275 रुपए का भी अगर आप ताला तोड़ देते हो तो जो है कि आपको 125 रुपए इंसेंटिव मिल जाएगा। लेकिन खराब वाले में आपको 350 रुपए वाला ही ताला तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। और इस रेट कार्ड में कितने सारे 7 ताले भी हैं, तो गाइस आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर गाइस तालों का, यहाँ पर इंसेंटिव का बहुत ही बड़ा फर्क होता है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव देखने के लिए मिल जाता है और उसमें आपको बहुत ही कम इंसेंटिव देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 275 रुपए कमा लोगे तब भी आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, उसमें आपको 350+ जाना होगा, उसके बाद ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो मुझे लगता है यार कि देखो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप जो है कि गाइस आप जब भी कंपनी को ज्वाइन करें या फिर अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप इन तालों को देखा करिए, ऊपर का जो भी भाग है उसको जाने दीजिए, नीचे के भाग को पकड़िए और इस तालों को देखिए, इस इंसेंटिव को देखिए, इसमें क्या फर्क आ रहा है, कितने ताले हैं, कितने कम से कम ताले तोड़ने पर आपको इंसेंटिव मिल रहा है। तो यार ये चीज़ें देखना जरूरी है। मान लो किसी दिन आप कम काम भी करते हो तो यार आपका ताला टूट जाए, आपको इंसेंटिव मिल जाए, तो यार मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये चीज़ें जो है कि आपको समझनी चाहिए, वरना जो है कि आप आगे जा करके काफ़ी ज़्यादा पछताओगे, ठीक है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।